श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांस ओम ज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने नामयं विष्णुपादाय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नामयं विष्णुपादाय राधिकायैस्तदालये श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणेति नामिने कृष्णलीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैस्वयुक्तं वरं वरण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं स्तं शिरसनमामि नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रिताय च बालिने जीव दुखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमकायिने नामयं विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीभार्गवसभानिधेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्णा संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रमाढ श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुग विरुधाव सिद्धान्तदन्तहारिणि नमो गौरवीश्वराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बुधे पादम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगमराय ते गौरवाभिभावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जयतां श्रुतौरुपङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपाकं भुजौ श्रीराधामदनमोहन दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा श्रीलघुविन्ददेवौ पृष्ठलिभिशब्दमान स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थित कर्षण वेणु स्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु न वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दावा
नाला समा संसार दहने I'm not
मदला अरुणा पुरब भागे निज मणि गोरा अमनि जागे Oh,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ओमज्ञानचन्द्रां तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रजदेवी सत्यवतै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरिय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वथा मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णु पादाष्टोत्तर सत श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णु पादाष्टोत्तर सत श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम है। हरे कृष्ण ओ हरे कृष्ण। हम लोग आज षष्ठ स्कंद को श्रवण करेंगे। इसको पहले सनत कुमार और पृथ्वी महाराज का संवाद है, फिर प्राचीन गोविंद राजा की कथा है, फिर पुरंजन पुरंजन की उपाख्यान है। इसको हम आप लोग को अलग अलग बता देंगे। इसको पढ़ करें हम रुद्र गीत है छोटे छोटे। अभी षष्ठ स्कंद का अजामिली कथा मैंने कथा को सुनो ठीक। हाँ थोड़ी सी जगह छोड़ दो ठीक है। षष्ठ स्कंद की कथा सुन लो। हाँ कहते जो षष्ठ स्कंद है इसमें अजामिली का उपाख्यान है। जो हर जो हर जो हर जो स्कंद है उसका सबके सब अलग अलग लक्षण है। सबका अलग अलग लक्षण है। कभी ये षष्ठ स्कंध का लक्षण क्या है? क्या इसका लक्षण है? पोषण। लक्षण क्या है? पोषण मतलब क्या होता है इसका? पालना। पोषण मतलब होता है पालन करना है। तब कभी ये षष्ठ स्कंध का नाम पोषण क्यों नाम पड़ा? ये षष्ठ स्कंध का नाम पोषण क्यों पड़ा? इसका विश्वनाथ चतुर्थी इसका टीका में कहते हैं, कहते जो भक्त लोगों का एवं धर्मेर मर्यादा है, भक्त गणेर एवं धर्म का मर्यादा उल्लघन काणी गणेर हो, पावन जे भाव है ताके विद्वान गण पोषण बोलिया कीर्तन करिया था के। समझ बात है? कहते इसका मतलब होता है जैसे कोई कोई धर्म का जो मर्यादा दिखाई पड़ता है किसने उल्लंघन किया है, धर्म का मर्यादा जैसे उल्लंघन किसने किया है धर्म का, जैसे श्री अजामिल ने ये अपना ब्राह्मण धर्म को छोड़ दिया। अपना ब्राह्मण घर में जन्म लिया था लेकिन एक वेश्या को दर्शन करते हुए मिलते हुए एक पुरुषों को एक शूद्र शूद्राणी को मिलते हुए देखा, देख करके कहा ब्राह्मण घर में जन्म लिया था लेकिन घर में पत्नी सुंदरी कम उम्र की ब्राह्मणी देखने में सुंदरी थी, लेकिन उसने क्या किया अपना पत्नी को त्याग दिया, उन्हें धर्म का उल्लंघन उसने किया है, हैं? और उनको भी जो पालन करते हैं और क्या है कहते भक्त गणेर धर्म मर्जत उल्लंघन करते पालन करते, इसलिए कहते जैसे पापी अजामिल नामावासुदेव को जैसे कोई गुरुद्रोही किया, गुरुद्रोह कौन किया कहते इंद्र ने, इंद्र ने भी गुरुद्रोही किया है उसको, नहीं बलि महाराज ने, इसलिए उन्होंने उनको भी भक्ति को द्वारा पालन किया है इंद्र का, इसलिए कहते चित्रगुप्त चित्रकेतु महाराज उन्होंने क्या किया जैसे विमान में बैठ करके जा रहे थे
अपना पत्नियों के साथ में चित्रगुप्त महाराज तो कैलाश में जब पहुंचे, देखा शंकर जी अपना गोद में अपना पत्नी को लेकर के, पार्वती को लेकर के बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तत्व ज्ञान की बात बता रहे थे। इतने में चित्रगुप्त तो सब जानते हैं शंकर जी की महिमा, लेकिन लोग शिक्षा के लिए, लोग इनको देख करके भ्रमित नहीं हो जाए, बोले पत्नी को तो एकांत में कोई गोद में लेकर बैठते हैं, ये सभी को सामने ऋषि मुनियों के सामने बैठ करके अब बड़ी बड़ी ज्ञान की बात बता रहे हैं। इन्होंने क्या किया, एक तरह को उन्होंने कहते उन्होंने अपमान किया, किसको, शंकर जी का अपमान किया है। इसलिए लेकिन होने पर भी भगवान भक्त वत्सल है, ऐसे जो व्यक्ति धर्म की जो उल्लंघन किया है, कोई उन्होंने जो अपराध किया है, लेकिन भगवान भक्त वत्सल, लेकिन उन्होंने क्या किया, भगवान का नाम और भगवान उनको तब भी रखा किया, उनको पालन किया। तो जितने बड़े से बड़े पाप करने पर भी अगर कोई भक्ति को आश्रय ग्रहण करे, अगर कोई भगवान का नाम को आश्रय ग्रहण करे ना, कहते वो सबके सब पाप से मुक्त हो गए, सबके सब पाप से मुक्त हो गए। इसलिए यहाँ पर विद्वान गण उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पालन, जो सबको जो पालना करते हैं। इसलिए ये षष्ठ स्कंध में ये सब कथा आई है, हाँ? बड़े से बड़े पाप करने पर भी सबके सब ठाकुर की पालना किए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, पोषण, पोषण इसका नाम पड़ गया है। और इसमें भक्त वात्सल्यता ही इसमें वर्णन किया है, बोले अदुनेह महाभाग जथैव नरकार्णव नानोग्र घात नयात तन्मे व्याख्यात महर्षि। तो यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, जो काम करने पर जो जीव है घोर नरक में नहीं जाते, ऐसे क्या कर्म है जो करने पर जीव कभी नरक नहीं जाते हैं, आप कृपा करके उसका उपाय हमें कृपा करके बताओ। क्योंकि पंचम स्कंद उसमें सब नरक की बात बताया, जो शराब पीते हैं लोहे गला करके उसको मुंह में देते हैं, जो इन्हें आंखों से उल्टा पुल्टा पिक्चर देखते हैं, गंदी गंदी पिक्चर उसको आंख निकाल देते हैं, हैं? जो कान में उल्टा पुल्टा बात सुनते हैं लोहे को गर्म करके उसमें डाल देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति इन्हें हाथों में हेर फेर करते हैं तराज में उसको हाथ काट देते हैं, जो मांस खाते हैं हैं उनको भी करत में जिंदा जिंदा काटते हैं। इसलिए जो मछलियों को व मांस को रोसी बना कर खाते हैं उनको भी जैसे पकौड़ा बनाते हैं, गर्म तेल में उनका पकौड़ा जैसे छांक देते हैं। इसलिए उन्होंने सब नरक की सब वर्णना किया है। इसलिए यहाँ पर कहते ऐसे क्या काम करने पर जीव कभी नरक में नहीं जाएगा, अब कृपा करके उसकी रास्ता बताओ। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते देखो हम लोग जो पाप करते हैं तीन तीन चीज को तरह पाप करते हैं, बोले काय, बोले शरीर से, मन से और वाक्य से। जो कुछ कर्म करते हैं तीन को तरह, शरीर से नहीं तो मन से नहीं तो अपनी वाणी से, ये तीनों को द्वारा हम जो कुछ करते हैं ये तीनों को द्वारा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति है अगर कोई नरक भोग करना नहीं चाहते हैं, अगर पता चले कि हमने पाप की उसका प्रायश्चित भी विधान बताए, अगर तुम्हारे से ये पाप हो गया ये कर्म करो प्रायश्चित कर दो तुमको पाप से मुक्ति मिल जाएगी, है मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए लेकिन लघुत्व व गुरुत्व जने प्रतिकार कराओ, कोई पाप होता है बहुत बड़ी पाप, कोई पाप होता है छोटी पाप, है छोटी बड़ी पाप को जान करके अगर उसका जो प्रतिकार करते हैं उसको क्या होता है पाप से मुक्त हो जाते हैं। कहते कैसे करनी चाहिए, बोले जब शरीर तुम्हारी शरीर सुस्त रहे उसी समय में कर लेनी चाहिए, शरीर तुम्हारी सुस्त है कोई पाप कर्म कर लिया जो काम करने से मुक्त हो सकते, जब शरीर सुस्त तभी तो कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने नहीं किया सुस्त रहे तो भी पाप पर प्रायश्चित नहीं किया है तो तुमको दो गुना पाप भोगना पड़ेगा, तुमको है पाप तुमको दो गुना भोगना पड़ेगा। इसलिए क्या करो प्रायश्चित कर लो, अपना पाप को प्रायश्चित कर लो। लेकिन जब उन्होंने ये बात बताया ना, इसको सुन करके परीक्षित महाराज का मन जो है ना ये प्रसन्न नहीं हुआ, ये सुनकर प्रसन्न नहीं, बोले क्यों प्रसन्न नहीं, बोले कारण है
लोग तो प्रायश्चित कर लेते हैं, लेकिन प्रायश्चित करके ना फिर दोबारा पाप करना शुरू कर देते हैं। हमारे उड़ीसा में क्या करते हैं, वो एक महीना तक व्रत रहेंगे, कार्तिक महीना व्रत पूरा रहेंगे, हैं जो बूढ़ी जितना बड़े बूढ़े से रह जाएंगे सब उड़ीसा में पाप करके छाड़ खाई, हमारे उड़ीसा में कहते छाड़ खाई। हाँ, इसलिए ये सब 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 एक महीना तक रहेंगे सब, और नहीं तो धाम को घूमने जाएंगे, हैं सारे धाम एक महीना तक केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री सारे धाम घूम करके आएंगे, और कोई मांस मछली नहीं खाएंगे। जब घूम घाम करके आएंगे ना, बोले इतना दिन से हैं, हाँ जिस दिन आगरा पहुंच जाएंगे ना, बोले इतना दिन से हाँ ये सब क्या घास भूसा खा करके आए, अरे मुंह अच्छा नहीं लग रहा, बढ़िया करके मांस लाओ नहीं तो मछली लाओ, बढ़िया करके बनाओ और खाओ, हैं बढ़िया। इसलिए कहते हैं ये क्या करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे दाल में कंकड़ मिला देंगे, चावल में कंकड़ और घी में चर्बी मिला देंगे, तेल मिला करके उसको क्या करेंगे बना करके घी बना देंगे, फिर क्या करेंगे जा करके दुखी दरिद्र को दो चार पैसा दान दे आएंगे, नहीं तो कबूतर को दाना खिला करके आएंगे दान कर देंगे। इसकी वजह उनको पता है ना उन्हें पाप कर्म किया है, तो ये पाप से कैसे मुक्ति होगा, दान देखना फिर दे दो, फिर क्या करेंगे फिर दूसरे दिन से फिर पाप करना जो करते थे वही करना। भैया जब कीचड़ को फिर शरीर में क्यों लगा रहे हो, कीचड़ लगाओगे तब तो तुम्हें साफ करने का जरूरत है ना, भैया कीचड़ मत ही लगाओ फिर साफ फिर करने का क्या जरूरत है। इसलिए जब उन्होंने ये सब बात बताए हैं, कहते जो कर्म कांड जो मार्ग में ये इसको उदाहरण दिया, ये कैसे हस्ती स्नान, हस्ती स्नान मतलब जैसे हाथी को अच्छे तरह से मल मल करके पानी में साबुन लगा करके स्नान करा दो, लेकिन जब हाथी ऊपर उठेगा ना पहले ढूंढेगा कहाँ पर कहाँ पर धूला है, अगर धूला नहीं होगा तो पैर में रोध रोध में धूला बनाएगा, और सूर्य में लेकर फर करके सारा शरीर में लगाएगा, फिर जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा वो, हैं कहते जैसे हाथी का स्नान है। कहते ये कहते प्रायश्चित कारीगण अविद्याग्रस्त, इसलिए जो प्रायश्चित लोग है ये क्या करते हैं अविद्या के द्वारा ग्रस्त है पुनः पुनः करते हैं। तब यहाँ पर और एक उदाहरण दिया है, अगर जो व्यक्ति हितकर अन्न भोजन करते हैं, जैसे आपकी आपको कोई बीमारी है लेकिन आपने क्या किया ऐसे भोजन किया जो शरीर के लिए अच्छा है, हैं जो जिसको द्वारा बीमारी तुम्हारी नहीं होगा, हैं जो भावे उसको क्या होगा फिर उसको शरीर में बीमारी नहीं आएगी, हैं क्योंकि आप भोजन अच्छे कर रहे हो, डाइट कंट्रोल कर लो नहीं होगा। कहते ऐसे ही जो लोग अपना नियम पालन करके क्या करते पाप नाश करते हैं, एकाग्र अपना मन को एकाग्र करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, अपना ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं, इंद्रियों को दमन करते हैं, शौच को द्वारा रहते हैं, कभी किसी की हिंसा नहीं करते नियम, कहते उसको द्वारा क्या होगा, कहते इसी नियम का प्रभाव से कहते जो श्रद्धावान जो ज्ञानी लोग बड़े बड़े पाप को उन लोगों ने नष्ट कर देते, बड़े बड़े पाप को कौन लोग ज्ञानी लोग, ये जितने बात पता ये ज्ञानी के लिए भक्त के लिए नहीं है, ये ज्ञानी लोग नष्ट कर देते हैं। लेकिन जब उन्होंने ये बात को बताए, लेकिन कभी वो कैसे उदाहरण देते हैं, कहते वेणु गुलवम इंद्रिय धर्म दमन करना, बढ़िया आहार करना, अष्टांग ब्रह्मचर्य, कहते इसको उदाहरण किया तो बोले वेणु गुलवम बिना मत दूर करे, वेणु गुलम मतलब क्या होता है, जैसे बांस का जंगल को किसान क्या करते हैं गर्मी का समय काट देते हैं, सारे बांस को काट कर ले जाते हैं, और वहाँ पर भी जो पत्ते पत्ते पड़े रहते हैं उसमें आग लगा देते हैं, आग लगाने पर क्या होता है वो सब जल करके राख हो जाता है, लेकिन क्या दिखाई पड़ा ऊपर से जल करके राख हो गई, लेकिन फिर जब श्रावण का महीना आती फिर जब पानी आएगा ना वो जितना जंगल था उसे ज्यादा जंगल निकलता है, फिर कड़ी निकलेगा, निकल कर पहले जितना जंगल था ना उससे फिर ज्यादा फिर ज्यादा जंगल हो जाता है, हैं कहते उसी तरह ये जितने इंद्रिय दमन हैं और ब्रह्मचर्य पालन करना, अहिंसा करना, नियम एकाग्र चित्त ये जितने ज्ञानी लोग करते हैं, कहते दूर करे, लेकिन ये सब के सब बेणुगुलवत, ये थोड़ी समय के लिए दिखाई पड़ता है, हैं थोड़ी समय के लिए, लेकिन जब समय आएगा ना फिर हृदय में वही कामना वासना फिर जगेगा, फिर हृदय में कामना वासना जग उठेगा,
थोड़ी समय कल वही है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न करते हैं, जब उन्होंने ये बात को बताए उनको है, इसको जो बात को बताए, फिर महाराज जी परीक्षित महाराज से प्रसन्न नहीं हुए, बोले ऐसे कोई उपाय क्या है जो जड़ से हृदय में जो कामना वासना है जड़ से ये खत्म हो जाए। भक्त लोगों के लिए क्या कर्तव्य है, भक्त लोग ऐसे कौन सा काम करते हैं हृदय में और वो कामना वासना ही फायदा नहीं, ऐसे कोई उपाय क्या है। बोले हाँ ऐसे भी एक उपाय। बोले वो उपाय बताओ। बोले केचित केवल या भक्त्या, इस श्लोक को लिख लेना। बोले केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अग्नौ धुन्नति कार्ष्णेन निहार इव भास्कर। तो यहाँ उदाहरण देते हैं। बोले केचित, केचित मतलब होता है कोई कोई विरले जो भक्त लोग क्या करते। बोले केवल या भक्त्या, केचित केवल या भक्त्या, बोले केवल या भक्त्या मतलब क्या होता है, कहते केवल भक्ति को द्वारा, ज्ञान कर्म को द्वारा नहीं। कहते ना अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा। ये उत्तमा भक्ति है जिसे क्या कर्म को द्वारा ढकनी नहीं रही चाहिए, हृदय में कोई अभिलाष नहीं होनी चाहिए है, अभिलाष और अनुकूलन कृष्णानुशीलन, जो काम करने पर गुरु वैष्णव ठाकुर जी प्रसन्न होंगे वो काम को करनी चाहिए। अगर कोई ऐसे अगर भक्ति केवल या भक्ति करते हैं क्या होता है उसको द्वारा, क्या होता है एकदम हृदय क्या है एकांत की भक्ति को द्वारा। बोले क्रास्ने न मतलब होता है संपूर्ण रूप में। बोले क्या संपूर्ण रूप में, उदाहरण देते हैं जैसे सूरज उदय हो जाए, जैसे भी कोहरा पड़ा हुआ है आप देख रहे, जब सूरज उदय हो जाता है क्या होता है, अभी सूरज का किरण आने से पहले ही आप देखना पूरा जैसे कोहरा भी नष्ट हो जाता है और जो अंधकार जो पड़ा हुआ है अभी सूरज उदय नहीं हुआ उगने वाले है उसको पहले से क्या होता है कि सबके सब अंधकार दूर हो जाता है। कहते उसी तरह जो केवल या जो भक्ति ऐसे की चीज है हृदय में, जब ये भगवत भक्ति उदित होता है उसको द्वारा क्या होता है पूरा संपूर्ण रूप में हृदय उसकी निर्मल हो जाएगा। बोले कैसे, बोले भगवान की भक्ति को द्वारा, भगवान के नाम जप करने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये श्लोक को ऊपर में इसलिए प्रभुपाद कुछ अच्छी अच्छी बात कह रहे हैं। हाँ प्रभुपाद कहते तथ्य, तथ्य मतलब प्रभुपाद का उसमें टीका है। बोले टीका क्या है, कहते भक्ति के तीन स्टेज है। कहते पहले होता है साधन, फिर भाव और प्रेम, ये भक्ति का तीन स्टेज है। इसका जो साधन जो स्टेज है, जब साधक साधारण रूप में साधन केवल करता है, कहते उसका दो लक्षण है। दो लक्षण क्या है, पहला लक्षण है क्लेशग्नि सुभदा, हाँ क्लेशग्नि सुभदा, क्लेशग्नि मतलब होता है जितने तरह का क्लेश सब खत्म हो जाता है, सुभदा मतलब होता है अगर सही सही भक्ति करे साधन अवस्था में उसका सारा दुनिया में जय जयकार होने लग जाएगा। अब देखना अगर कोई ठीक ठीक से साधन करे, हरिनाम करे, मन लगा करके भजन साधन करे ना, सब लोग पहले ही से ही शुरू भाई किया, बड़ा भजन आनंदी व्यक्ति है, दिन भर इधर उधर कोई बात नहीं, दिन भर हरिनाम करते हैं, गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं, भजन करते हैं, केवल साधन अवस्था में ही उसको सुभदा, उसमें सारी दुनिया में उसकी जय जयकार शुभ मंगल होने लग जाते हैं। और क्लेशग्नि मतलब जितने तरह का क्लेश है सबके सब नष्ट हो जाते हैं। देखो इसको लिख लो, क्लेशग्नि क्या है, कहते 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 पाप, पाप बीज और अविद्या, कहते पाप, पाप बीज और अविद्या है। कल केवल जब सही सही थोड़ी सी भजन करना शुरू कर देंगे, सही सही हृदय से निष्कपट हृदय से केवल साधना अवस्था में सारे क्लेशग्नि दूर हो जाएंगे। क्लेश क्या बताया, बोले पाप, पाप बीज और अविद्या। कहते ये पाप क्या चीज है, कहते पाप होता है, कहते पातक, लिख लो जो पाप क्या किया, बोले पातक,
महापातक और अति पातक। पातक मतलब होता है पापी, पापी से भी पापी और सबसे बड़े जो पापी है, हैं जितने तरह का कोई पाप कर्म किया क्यों नहीं किया हो, हैं कहते पातक अति पातक और महापातक। कहते इसको पाप कहते हैं, कहते पाप फिर कहते हैं प्रारब्ध, उसको प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है, प्रारब्ध अप्रारब्ध हैं। कहते पाप बीज अविद्या, कहते जो कहते प्रारब्ध और अप्रारब्ध ये सब के सब नष्ट हो जाता है। कहते अदृष्ट रूपे चित्ते भोग भ्रम अप्रारब्ध, हाँ कहते जो जो कहते जो प्रारब्ध मतलब जो पाप शुरू हो गया है। कहते अप्रारब्ध मतलब क्या होता है, जो अभी प्रारब्ध नहीं हुआ है, हैं जो अभी आप समझ रहे हो, अभी जीवन में जो हम जीवन में हमारा आ रहा है ना, पहले पहले कर्म में जीवन में जो जो कर्म किया अभी वो कर्म का फल अभी भोग कर रहे हैं। ये कहते अप्रारब्ध मतलब क्या, हमने तो पाप कर्म किया लेकिन वो अभी अंदर में है, लेकिन अभी वो शुरुआत नहीं, भोग का वो शुरुआत नहीं हुआ है, भोग का शुरुआत नहीं हुआ है, हैं। कहते फल उन्मुख है, प्रारब्ध मतलब जो फल का उन्मुख है, जैसे उदाहरण देते हैं जैसे हमने कोई नीच कुल में कोई जन्म ग्रहण किया तो उसको जैसे नीचे जन्म उसको प्राप्त होता है, हाँ नीच कर्म करता है। कहते इसलिए कृष्ण उद्धव को एक बात बताए, बोले कृष्ण उद्धव जी को क्या बताए, बोले जैसे प्रज्वलित अग्नि है, जैसे आग बड़ी तेज कहीं आग जल रही है, बड़ी तेज लकड़ी का आग जल रही, उसमें क्या होता है अगर उसमें अंदर कोई चीज डालोगे ना वो क्या जला करके उसको राख कर देता है। कहते उसी तरह कहते हैं उद्धव, जो व्यक्ति मेरे भजन करते हैं उसका जितने पाप है सब के सब ध्वंस हो जाते हैं, उसको पाप सारे ध्वंस हो जाती है, केवल साधारण अवस्था में ही ये सब के सब उसकी खत्म हो जाता है। इसलिए कपिल देव अपना माँ को भी यही बात बताए, उन्होंने क्या बताए, कहते कुकुर भोजी, बोले कुत्ते मांस वो कोई नहीं खाते हैं, अगर कोई अंत्यज कुकुर भोजी सुपाच अगर हो, भले ही वो व्यक्ति अंत्यज जाति में जन्म क्यों नहीं हो, लेकिन अगर जो व्यक्ति मेरे नाम को आश्रय ग्रहण करते हैं, हैं मेरे नाम को जो स्मरण करते हैं, मेरे नाम जप करते हैं, उसी समय में ही उसका सारे पाप नष्ट हो जाता है। और सोम जाजी यज्ञ अधिकारी हन, एक सोम यज्ञ होता है जो विशेष ब्राह्मण वो यज्ञ कर सकता है, लेकिन केवल मेरे नाम को जो ग्रहण आश्रय लेता है उसको सारे नष्ट होकर के सोम जाति यज्ञ का भी वो अधिकारी बन जाता है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ठाकुर को नाम जप करके सब खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं देखो, और एक बात इसको लिख लो, कहते भक्ति दो तरह का, इसको श्री जीव गोस्वामी कह रहे हैं, ये जीव गोस्वामी का सिद्धांत है। कहते भक्ति कितना तरह का, दो तरह, कैसे साधन भक्ति भाव भक्ति। इसलिए कहते यहाँ भक्ति दो तरह का है, कहते क्या है, बोले संतता ओ कादाचित, पहला भक्ति संतता। बोले संतता किसको कहते हैं, बोले संतता मतलब होता है जो सर्वदा वर्तमाना, संतता मतलब जो भक्ति हर समय जो कंटिन्यू भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे जैसे साहित्य कैसे डालो ना देखना उसमें के धागा बनी जाती है। कहते संतता मतलब होता है जिसका मन प्रभु को चिंतन को छोड़ करके कभी भी इधर उधर जिनका मन कभी नहीं जाता है, सब समय जो इसको कहते संतता भक्ति। और दूसरा उसको कहते हैं निष्ठामयी, एक सर्वदा और एक ही निष्ठामय। निष्ठामयी मतलब क्या, जिसका भक्ति में पूरा निष्ठा है, भले ही जीवन में कुछ आ जाए लेकिन प्रभु का भजन कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसे नहीं थोड़ी सी कोई विपत्ति आ जाए ना माला भला सब छोड़ छाड़ करके बोले हम भगवान के लिए इतना किया और ठाकुर हमारे साथ में ऐसे कर दिया है, फिर माला छोड़ो भजन छोड़ो भक्ति को छोड़ो, ये सब बेकार बात है, हैं नहीं। निष्ठा वही और जो निरंतर जमय भक्ति है, हैं इसको कौन सा भक्ति कहते हैं, संतता। दूसरा भक्ति कादाचित की, कादाचित की दूसरी भक्ति, ये जीव गोस्वामी कहते हैं।
कदाचित की भक्ति किसको कहते हैं, जहां सर्वदा वर्तमान नहीं, जो हर समय वर्तमान नहीं, कभी कभी जो भक्ति उदित होता है, है? कभी कभी जो भक्ति उदित होता है इसको क्या कहते हैं, ऐसे वक्त कदाचित की भक्ति इसको कहते हैं, है? कहते जो संतता भक्ति निरंतर जो भक्ति, ये दो तरह का है, ये दो तरह का संतता व निरंतर जो भक्ति, दो तरह का बोले, दो तरह का क्या क्या है बोले, पहला नंबर है आसक्ति मात्र युक्ता, आसक्ति मात्र युक्ता, ये पहला। और जो दूसरा है रागमयी, रागमयी, रागमयी है, राग मतलब स्वाभाविक रूप से भगवान की अनुराग है, रागमयी और आसक्ति है मात्र युक्ता, जो आसक्ति भगवान प्रति आसक्ति युक्ता है, ये दो तरह का है। कहते दूसरा रागमयी हो गया। कहते जो कादाचित की जो भक्ति, ये तीन तरह का है, पहले बताया था दो तरह का कादाचित की भक्ति बताया। कहते जो कादाचित जो भक्ति, ये कितना तरह का बोले, ये तीन तरह का है बोले, तीन तरह का क्या क्या है बोले, रागा भासमयी, राग का आभास है, राग नहीं लेकिन राग का आभास उसके अंदर में, ये पहला नंबर। और दूसरा है रागाभास शून्य, राग की जो आभास की शून्य, मतलब राग की आभास भी नहीं, राग आभास शून्य व स्वरूप भूता है, राग आभास शून्य व स्वरूप भूता। और जो तीसरा नंबर है आभास रूपा, तीसरा नंबर है आभास रूपा। देखो यहाँ पर जीव गोस्वामी इस बात क्यों बताए, देखो तर्मद्यावर जो रूपा कहते, इसमें जो तीसरा नंबर जो केवल आभास रूपा, मतलब भक्ति है लेकिन केवल आभास, भक्ति केवल आभास, संपूर्ण रूप में भक्ति नहीं लेकिन जो केवल भक्ति की आभास, कहते उसके अंदर में जो आभास रूपा भक्ति द्वारा ही है क्या हो जाता है, कहते भक्ति की महत्व यहाँ पर बता रहे जीव गोस्वामी। कहते केवल आभास, केवल आभास रूपा भक्ति, लेकिन उसको द्वारा क्या होता है, जितने सारे प्रायश्चित उसको द्वारा ही पाप का पाप बीज कूट अविद्या जितने सब के सब उसको द्वारा ही ध्वंस हो जाता है। फिर तो अगर आभास की आभास भूता भक्ति में अगर इतना हो जाए, पर जो संतता भक्ति जो निरंतरित्व भक्ति करते हैं, इनकी भक्ति में निष्ठा, उनकी तो बात छोड़ ही दो, हैं उनकी बात छोड़ दो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बोले क्रास्नेर, वहां पर उदाहरण दिया ना कार्थनेन यह भास्कर, कहते जो पाप वासना रहित समूले, क्रास्नेर मतलब होता है अगर ऐसे भक्ति हो ना, इतने पाप वासना को साथ में समूल में ये सब के सब नष्ट कर देते हैं, हैं? कहते भास्कर अर्थ देखो, तब उन्होंने भक्ति को उदाहरण किया भास्कर, भास्कर सूरज, जैसे सूरज उदयने पर क्या हो जाता है, कोहरा नष्ट हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, यदि यहाँ पर जो सूर्य का जो यहाँ पर उदाहरण दिया है, हैं भास्कर का अर्थ दिया, इसको जरा क्या बता रहे हैं, दीप्ति मात्र स्थानीय, अर्थात आभास रूपा भक्ति द्वारा निहार स्थानीयता गंतु को पाप राशि आनुसंगिक भावे तत्क्षणात विध्वंस ज्ञातित याचे, हिमराशि के विनाश करते हिले जे रूपो हिम, लेकिन ठीक से लगाओ मनी, हरे कृष्ण। यहाँ पर कहते भक्ति के द्वारा जो निहार स्थानीय, जो उन्होंने बताया जैसे कोहरा, जैसे जैसे सूर्य उदय होने पर क्या होते हैं, आनुसंगिक रूप में उसी समय में ही ये सब के सब अंधकार और कोहरा सब के सब विध्वंस हो जाता है, विनाश करते से। तब यहाँ पर उदाहरण करते हैं जैसे हिम राशि के विनाश करते हैं, जैसे कहते हिम राशि के विनाश करते हैं,
मतलब जैसे कोहरा को जैसे दूर करने के लिए कहते क्या आता है, कहते सूर्य का जरूरत नहीं है, सूर्य का जो ईशत जो आभास है, सूर्य का जो थोड़ी सी जो आभास है उसको उसको द्वारा ही नष्ट हो जाता है। लेकिन जब सूर्य उदय होता है फिर तो उसका कहना क्या है, उसको आभास में अगर नष्ट हो जाता है, फिर सूर्य जब उदय हो जाए इसका मतलब है हृदय में जब भगवत भक्ति शुद्ध भगवत भक्ति हो जाए फिर उसकी बात क्या है, मतलब भगवान की भक्ति की भक्ति में इतने शक्ति है भगवान की भक्ति में। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ये जीव गोस्वामी के सिद्धांत है, फिर यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर कहते हैं बोले प्रायश्चिता निचिरनानी नारायण परान मुखम, श्लोक भी लिख लेना, प्रायश्चिता निचिरनानी नारायण परान मुखम ना निष्पुनंति राजन सुरा कुंभ मिव पगा। श्लोक में कह रहे हैं कि जैसे एक एक घड़े में अगर आप शराब रख लो, जैसे मिट्टी का पात्र है, अगर किसी मिट्टी का पात्र में जब हम शराब रख लेते हैं फिर मिट्टी का पात्र क्या हो गया, अपवित्र हो गया, क्योंकि उसका जो कण 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 में शराब घुस जाती है, उसको पूरा कण कण में है शराब, उसका कण कण में घुस जाती है। घुसने पर क्या होता है, कहते भैया जगत पृथ्वी में जितने सारे नदी हैं अगर सारे नदी में अगर वो घड़े को मिट्टी का पात्र को अगर धोगे तो कहते वो कभी पवित्र हो सकता है क्या, वो कभी पवित्र, क्योंकि उसका कणकण में शराब घुस गया है, वो अपवित्र हो गया, वो पात्र अपवित्र हो गया। कह जैसे हैं जैसे कुरा सुरा कुंभ को जैसे सारे नदी में स्नान कराने पर भी धोने पर भी जैसे वो कभी पवित्र नहीं होता है, कहते उसी तरह कर्म कांडीय महा महा प्रायश्चित, कर्म कांड में है जो कर्म कांड में जो प्रायश्चित जो बताते हैं, कहते हैं व्यक्ति है पवित्र करते समर्थ है ना, कहते कर्म कांड को द्वारा प्रायश्चित करने पर भी जो भगवत विमुख जो व्यक्ति है कभी ये पवित्र कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी पवित्र नहीं हो सकता, कर्म कांड में कभी जीव पवित्र नहीं हो सकता है, लेकिन भगवत भक्ति में ही पवित्र हो सकता है। तो इसके लिए एक श्लोक फिर उदाहरण देते हैं, क्या कहते हैं बोले सक्रीत मन कृष्ण पदार बिंदयो निवेशितम तद्गुण रागी जय जही रिह नते जमम पास भूतस्त भट्टान स्वप्न पी पश्यन्ति ही चिरन निष्कृता। यहाँ पर कह रहे भगवान की भक्ति में कितना शक्ति देखा, क्या उदाहरण देते हैं बोले सकृति मन कृष्ण पदारविंद। यहाँ पर कह रहे हैं सकृत मतलब होता है एक बार, अगर कोई एक बार अपना मन को भगवान के चरण में एक बार लगा दे हैं, भक्ति भूमिकार कौन, इसलिए यहाँ पर जो भक्ति है किसी चीज को अपेक्षा नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर कहते हैं एक बार अगर मन प्रभु का चरण में अगर किसने लगा दिया केवल एक बार तो उसको द्वारा क्या होगा, बोले स्वप्न में भी कभी भी जमदूतों को कभी दर्शन नहीं करते, स्वप्न भी जम को नहीं दर्शन करते। तो यहाँ पर उसको टीका में कहते हैं जो अपना मन को प्रभु की चरण के में अनुराग में उसका गुण चिंतन में जो अपना मन को निविष्ट कर दिया है वो कभी भी स्वप्न में भी जमदूतों को दर्शन जम को दर्शन नहीं करते। भैया जब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं जब एक बार मन को केवल प्रभु के चरण में लगा दिया, अगर इतना महिमा है, अगर कोई व्यक्ति हर समय ये मन को प्रभु का चरण में लगा कर रखे, नाम ले तो निकाल लेते हैं, चिंतन करता है उनको, सेवा करते हैं उनको, पूजा करते हैं उनको, रोसई करते हैं उनको ही चिंतन करते हैं, फिर उसका क्या महिमा जो एक बार जो मन को लगा दिया तो है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसकी कथा सुनते हैं, उसकी कथा सुनते हैं, अगर अगर कोई व्यक्ति ये जो कान को भगवान की कथा में अभिष्ट कर देते हैं, हैं अधियों की ठाकते पारे, फिर तो बात ही क्या है, कहते यही मन रागी हैं गुण रागी यदि विषय सप्त है, अगर ये मन विषय में भले आसक्ति हो तात आभार यदि विषय शक्ति रहित तो है, जिसका मन विषय में आसक्त है लेकिन उसके लिए इतना, जिसका हृदय विषय से रहित है विषय संबंध में कुछ संबंध नहीं, फिर क्या होगा उनका क्या, बोले स्वप्न भी
कहते वो स्वप्न में भी जमानुचरों को दर्शन पाना, फिर कभी जम को जमदूतों को भी दर्शन नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर कह रहे जहाते साक्षात दर्शन रे प्रश्न की है, कहते जो स्वप्न में भी जो जमदूत तो जम को दर्शन नहीं करेगा, पर साक्षात कहाँ जम दर्शन करेगा, कभी जम पर जाएगा नहीं। इसलिए गले में कंठी तिलक माला लगा करके भगवत भजन करने का बड़े महत्व है। जब स्वयं कहते जो तिलक कंठी माला भगवान भजन करते, खबरदार मेरे पास में मत लाइए उनको, उसको विचार तो ठाकुर करेंगे, इसका विचार हम नहीं कर सकते, उसका विचार ठाकुर करेंगे। समस्त पाप रे पाय सिद्ध जहाँ देर द्वा सकृत पदर द्वारा, सकृत एक बार उसको द्वारा क्या होता है, सारे पाप का प्रायश्चित हो जाते हैं। यदि कखनो शुद्ध भक्त दैवात पापेर पुनः पुनः अनुष्ठान है, यहाँ पर कहते हैं अगर कोई शुद्ध भक्त है, भगवान कोई शुद्ध भक्त है, लेकिन कभी कभी उसकी हैं शुद्ध भक्त अगर दैवात कभी कभी उसका हृदय में कभी पाप आ जाते हैं, उसका उदाहरण देते हैं जैसे सांप, सांप का 20 दांत होता है, उसका 20 दांत होता है, जो सांपड़े होता है ना, जो सांपड़े को पकड़ते हैं, वो पकड़ करके पहले उसका जो 20 दांत को उखाड़ देते हैं, उसको 20 दांत को निकाल देते हैं, क्योंकि वो 20 उस दांत में रहता है जो काटता है ना, फिर जिसको अंदर प्रवेश करता। लेकिन जो उसका 7 दांत को उखाड़ देते ना, वो सांप भले जितना बार काटते रहे कुछ होने वाले नहीं, क्योंकि उसका जो दांत है वो दांत को निकाल दिया गया। कहते उसी तरह जो व्यक्ति हैं भगवान के भजन करता है, भक्ति करता है, अगर शुद्ध भक्त अगर वो सचमुच से भक्ति करता है, कहते उसको क्या होता है, उसको कभी कभी उसके अंदर में दुराचारी तो देखने पर भी भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्ति न गच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्ता प्रविशति। कहते वो दुराचार होने पर भी भगवान स्वयं कहते हैं हैं अपिचेत शुद्राचार, अगर मेरे को अनन्य रूप में भजन करता है, मेरे को छोड़कर और किसी का आश्रय नहीं लिया, वो जल्दी से जल्दी उसका हृदय पवित्र होकर के वो शुद्ध बन जाएगा, फिर भगवान के भक्त बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहते इसलिए हम लोगों को किसी भक्तों के अंदर में थोड़ी सी अगर इधर उधर हो, वो चीज़ को हमें नहीं देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि उनको सुधारने वाले ठाकुर है। अगर अगर हम अगर देखेंगे क्या होगा, उसको जितने दुराचारित हो ना, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर में आना शुरू होगा, वो तो पवित्र हो जाएगा, फिर एक दिन हम ही स्वयं दुराचारी बन जाएंगे, हैं हम स्वयं दुराचारी बन जाएंगे, वो धीरे 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 वो तो मुक्त होकर के वो तो प्रभु के पास में चले जाएगा, लेकिन हम बीच में पड़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान के विषय में, यहाँ पर कहते हैं भक्ति में इतने शक्ति, तब यहाँ पर बताए जिस भक्ति में इतने शक्ति है विद्वान लोग, ऐसे विष्णुदूत और जमदूत का एक सुंदर इतिहास बताते हैं, तुमको अभी वो इतिहास सुनाता हूँ। उन अभी जितना बात बता दिया, कहते किसी भक्तों का अंदर में क्या दिखाई पड़ा, बोले हाँ दिखाई पड़ा है, अभी हम उसी भक्त का कथा सुनाएंगे, उसको ध्यान देकर सुना, वो व्यक्ति कैसे पापी से पापी होने पर भी, लेकिन कैसे ये पाप से मुक्त हो गया, हम इसकी कथा सुनाएंगे, फिर ये कथा को हम फिर कल सुनेंगे, ठीक है। दिखाई गौर ब्रह्म।